संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच सहमति बन गई है। किसान नेता राकेश टिकैत इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। राकेश जी, कैसे सहमति पर आप लोग तैयार हो गए? जो संशोधन थे वो उनको वापसी दे दिए, उन्होंने उसको क्लियरिटी दे दी। अब ये है कि आज रात में कल वे पक्के कागज बना के दे दे और पक्के कागज आ जाएंगे तो सहमति करीब करीब सी बन जाएगी। गुरुवार को ऐलान हो जाएगा। ये दिन ही गुरु का है, ये आंदोलन ही गुरु का है। आज तो होना ही नहीं था कुछ भी। आप कह रहे थे आज कि... तो आज तो भाई 6 अंक है, 26 तारीख को शुरू हुआ और आज 8 का है, ये शनि का है, तो शनि की तो ढैया नहीं बचड़ रही। आज तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है सब, आप संतुष्ट हैं? अब आप खुश हैं? कागज मिल जाएगा तो सभी खुश हैं। जो हम लोगों की जो पंच हैं, अगर हमारे पंच खुश हैं तो हम भी खुश हैं। क्यों, आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है क्या? हम तो पंचों पे आधारित चलने वाले लोग हैं, वे जब खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आखिरी बात, आप कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा धरना खत्म नहीं होगा। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी और आप लोग संतुष्ट हो गए, सहमत हो गए, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे भी राज बहुत रहे। क्या कह रहे हैं? बहुत है, हमारे पास बहुत सामान अभी, बताइए ना। ये बनाएंगे, सब चीज करेंगे। हाँ, देखते रहे। गाजीपुर का धरना कब खत्म होगा? गाजीपुर का कोई अकेला नहीं है, ये जितने धरने हैं, जो भी धरनों का वो होगा, इकट्ठे ही धरने चल रहे हैं। कोई धरनों का समापन कोई होगा तो इकट्ठे ही होगा, वो टोल के हो, यहाँ के हो, पंजाब के हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह अभी धरने चल रहे हैं। अभी 100 से ज्यादा धरने हैं देश में, सबका समापन एक होगा। गाजीपुर कोई अलग नहीं है कि गाजीपुर सुनने का हार पहर के बैठा वहां पे, वो कह रहा हूँ गाजीपुर सबसे पहले जब लोग अपने घर जा लेंगे, जब लोग यहाँ से सब अपने घर चले जाएंगे तो उसके बाद में जाएगा। वो तो निगाह रखेगा, निगाची है वो तो। पैर पूछ रहा हूँ, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार ने कोई समय सीमा दी है क्या? वो हम ज्यादा पंचों से ज्यादा बात नहीं पूछते। पंचों ने क्या बताया आपको? पंचों ने बताया कि हम सहमत हैं। तो क्यों सहमत है? सरकार ने कुछ डेडलाइन दिया होगा? हाँ, दिया होगा। ज्यादा ना डिटेल पूछा करते, घर के चौधरी से ज्यादा नहीं पूछा करते। आप सबसे बड़े चौधरी हो किसान आंदोलन के? वो पंच हैं, पंचों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उनकी। वे कल लिखत पढ़त में जाएंगे, कुछ पक्के कागज। आंदोलन का फूफा करार दे दिया गया। आप नाराज रहते थे, अब फूफा जी खुश? नहीं, भाई मिलाई मिलेगी खुशी है, हम क्या नाराज है। अब घर कब जाओगे आप ये बताओ? अभी नहीं, कल डिसाइड होगा, कल। और आखिरी में, अब आंदोलन खत्म हुआ क्या? कदम खत्म हो गया, राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? अरे कहाँ खत्म हो गया, कहाँ से होगा, अभी कल बताएंगे। और राजनीति तो हम दूर हैं। हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना ना, परिवार से भी कोई नहीं? क्यों दिक्कत ले किसी की भाई? हाँ, आप ले लोगे किसी की जिम्मेदारी? आप तो मुस्कुरा के बात कर रहे हो। आपके नेता युद्धवीर सिंह से मैंने ये सवाल पूछ दिया कि अजय मिश्रा टेनी का क्या हुआ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। अजय मिश्रा टेनी को पर कार्रवाई की जो मांग थी उसका क्या हुआ? मका इलेक्शन हो जाने दो, उसे इलेक्शन तक बने रहने दो। वो पद पे बने, मैं ये कह रहा कि इलेक्शन लोग को किसी को बना रहने दो, क्या पता किसी की क्या मजबूरी है। हाँ, सब होगा, सब मांग होगा, सब होगा, चिंता ना करो। मांग सब होगी, चिंता ना करो। सवाल आपके युद्धवीर सिंह से पूछा, वो बदतमीजी करने लगे मेरे से, कहने लगे तू हेडमास्टर है। अरे रुक तो जा, मैं ये कह रहा कि बहुत सी चीजें हैं सरकारों की, कोई मजबूरी होती है, इलेक्शन हो जाने दो। आपकी क्या मजबूरी है? क्या इलेक्शन हो जाने दो, हमने इलेक्शन की वजह से आप लोग धरना? हमने नहीं, कोई हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो मांगे पूरी कहां हुई? एमएसपी पर कमेटी नहीं बनी, मुकदमे वापसी का ऐलान हुआ है, मुआवजे अभी तक नहीं मिले, अजय मिश्रा पे कार्रवाई नहीं हुई, और आप लोग धरना खत्म कर रहे हो, क्या डील हुई है और क्या मकसद? हम कोई किराए गए हैं क्या? फिर आ जाएंगे। कोई किराए गए हैं? बता दिया ना, कोई किराए? तब्दीली क्यों, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया ये कल? अभी कहां धरना खत्म हो गया महाराज? धरना कहां खत्म हो गया? कह रहे हैं कल धरना, कल ऐसा नहीं है, कल बताएंगे, कल जब पक्के कागज मिल जाएंगे उसमें क्या क्या आएंगे उस पर होगा। अजय मिश्रा पर कार्रवाई की बात रहेगी? पक्की रहेगी? नहीं रहेगी? अरे पक्की रहेगी, नहीं रहेगी तो हमारी जबान में तो रहेगी। अच्छा। बोलते रहेंगे? हाँ बोलते रहेंगे, हाँ बोलते रहेंगे। तो राकेश टिकैत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर के पहले डट कर मांग करते थे, लेकिन अब इन्हीं सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चलिए बात बन गई है, खुशी की बात है, सब लोग घर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सहमति बन गई है, मांगों को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा मान गया है। आश्वासन पहले भी मिल रहे थे लेकिन तब बात मानी नहीं जा रही थी। राकेश टिकैत का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर के किसान सबसे आखिरी में जाएंगे, लेकिन जाएंगे अब यह तय हो गया है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।